अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पर पेपर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ ग्रुप के मुख्तलिफ तरीके से पेपर हो रहे हैं, जैसे कि इस दफ़ा कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स अलग हो रहे हैं और साथ साथ प्री इंजीनियरिंग के पेपर्स अलग हो रहे हैं। मतलब अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का वही पेपर होता है जो प्री इंजीनियरिंग का पेपर होता है, लेकिन बस फर्क क्या होता है, उनका केमिस्ट्री नहीं होता और उनका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। लेकिन इस दफ़ा क्या किया गया है, तमाम पेपर्स को अलग कर दिया गया है। कंप्यूटर साइंस के पेपर को जनरल साइंस में लेकर चले गए, ठीक है, उसको अलग कर दिया गया। और साथ साथ आपके पास क्या किया गया, प्री इंजीनियरिंग के पेपर्स को अलग किया गया, प्री मेडिकल को, और साथ साथ आपके पास फर्स्ट जो कॉमर्स हैं और आर्ट्स ग्रुप के पेपर्स को भी अलग करके लिया जा रहा है, कोई इवनिंग शिफ्ट में और कोई मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपको ये बताने के था कि इस तरह के जो चेंजेस किया गया है तो उसके साथ साथ एक और चेंजेस किया गया है आपके बोर्ड के पेपर्स में, कि आपको ये तो पता ही है 20% आपके MCQs होंगे, 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड 40% आपके क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो 20% MCQs होगा ना, उसको चेंज करके उसे क्या किया गया है, उसे अब बाद में लिया जाएगा। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। पेपर से मुतालिक जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर्स, तमाम पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये वीडियो भी आपके लिए है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से पेपर्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो पेपर्स की तैयारी करने के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास मेरा गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर्स ऑलरेडी अपलोड है चैनल के अंदर और साथ साथ मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी अपलोड है, अगर आपको वहां आना था वहां पे भी आकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहां ज्यादा गाइड मिल जाता है आपको, एक दूसरे से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप मेरे ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हो, आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, जस्ट उसमें जाना है, उसमें मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है और क्लास लिखना है और कहना है कि सर आप मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करनी है या पब्लिक ग्रुप में ऐड करनी है। तो प्राइवेट ग्रुप की जो पेमेंट है, अगर आपको ऐड होना होगा उसमें, तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा, आप उस तरीके से उसमें ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो खैर हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, कि हमारे पास जो MCQs पेपर होगा वो किस तरह से होगा। पहले आपको क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चंस पेपर क्या होगा, जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले आपने अटेम्प्ट करना होगा और उसके बाद क्या होगा, 20 मार्क्स का, मतलब 20% का आपके पास क्या होगा, MCQs का पेपर आएगा, ठीक है। पेपर से पहले MCQs का लीक हो जाना और तमाम चीजें हो जाना, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, इससे बचने के लिए आपके जो बोर्ड के पेपर्स जो हैं उसको, उसके जो MCQs हैं उसको बाद में लिया जा रहा है। बाद में लिया जाने से मुराद मतलब कि जो लास्ट के आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आपका क्या होगा, MCQs का पेपर होगा, और उससे पहले जो होगा वो क्या होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग पेपर्स होंगे, पहले आपके MCQs के पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग पेपर पहले होगा, फिर टाइम क्या होगा, आपके पास MCQs का पेपर होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम जाएंगे पेपर देने वो बस यही बोलते रह जाएंगे, क्या हुआ मेरा MCQs, मेरे MCQs पेपर कहाँ है। तो आपके MCQs आपको लास्ट में मिलेगा, शुरू में क्या होगा आपके क्वेश्चंस पेपर होगा और आपको क्वेश्चंस पेपर पहले पूरा अटेम्प्ट करना होगा, अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपके पास MCQs पेपर आएगा और फिर MCQs पेपर को आपने पूरा अटेम्प्ट करने के बाद पेपर को अपना वाइंड अप करना होगा। तो आपको थोड़ा जल्दी काम करना होगा, इस चीज़ को याद रखना है, ताकि MCQs करने के लिए भी आपके पास टाइम बचे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।